लोगों को खबर किया गया है, इनके पिताजी यहाँ से गए तो उधर से भी लोग ले करके आ रहे थे। लातेहार में लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत कर भी रहे थे वो लड़का, और लातेहार से ही उनके पिताजी कहने लगे कि भाई बेटा हमें दे दीजिए, हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। लेकिन पहले तो जो ला रहे थे वो लोग देने के लिए तैयार नहीं, तो हम वहाँ तक तो हम मान सकते थे, क्योंकि हो सके गाड़ी के ड्राइवर था, ड्राइवर किसी और को देने के लिए सक्षम नहीं होता है, कल हो करके कुछ भी होता तो वो भी उनके लिए समस्या होती। लेकिन वहाँ से जब रिम्स लोग लाए, रिम्स में इन्होंने डॉक्टरों से विनती की कि भाई हमें अपने बेटा को प्राइवेट में इलाज करने के लिए हमें इसको छुट्टी दे दीजिए, हम दूसरा जगह इलाज कराएंगे, जबकि सामान्य तौर पर वो बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन किसी ने एक भी बात को नहीं सुना और फिर वहीं पर एडमिट करके लोगों ने रखा, और इलाज में जो सलाइन वगैरह चढ़ाया, जब ये बोल रहा था कि अभी उनके भाई से भी बात हुई, पिताजी से भी, उनकी माँ से भी, यहीं पर है भाई, वो बातचीत भी कर रहे थे, मुंह से भी वो जो पी सकते थे, लेकिन इस तो लगता है कि डॉक्टरों के या तो नौसिखिया होंगे या फिर लापरवाही कर सकते हैं। भाई नाक से सामान्य जानकारी जो मैं जितना समझ सकता हूँ सामान्य रूप से, नाक से या और भी तरीके से जो भोजन शरीर में पहुँचाया जाता है वो तब पहुँचाया जाता है जब व्यक्ति मुंह से खाने की स्थिति में नहीं होता है या पीने की स्थिति में नहीं होता है। इन लोगों के कथनानुसार वो बिल्कुल सक्षम थे, मुंह से वो पी सकते थे, लेकिन उनको नाक से डाला गया, और नतीजा ये हुआ कि ये मैं कह सकता हूं कि इलाज की में भी लापरवाही बरती गई, और जिस कारण से अंकित कुमार महतो, अजय कुमार की मौत हो गई। तो हमें मौत, अजय की मौत के लिए इंटरव्यू वहां जहां दौड़ से लेकर के हॉस्पिटल तक जो लापरवाही जो बरती गई है, सारे लोग सम्मान रूप से जिम्मेवार है, और इसलिए मैं फिर कहूंगा इसकी जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस पदाधिकारी और सरकार के कर्मचारी से ईमानदारी जांच संभव ही नहीं हो सकता है। आज डीजीपी भले कहते हो हम जांच कराएंगे, कि भाई वो क्या जांच कराएगा, डीजीपी तो और पदाधिकारियों को बचाने की ही कोशिश करेंगे लोग। और इसलिए अगर सरकार सचमुच में ईमानदार है, दोषी जो दोषी है उसको सजा मिले, तो फिर उनको बिना विलंब के न्यायिक जांच करानी चाहिए सिटिंग जज से, तो सारे कुछ मामले आ जाएंगे, और उसके बाद परिवार वालों से मिले तो परिवार वालों की जो डिमांड है, ऐसे तो दो डिमांड तो हम लोग पहले ही कर दिए थे कल ही, कि जिस परिवार के बच्चे की मृत्यु हुई है, परिवार के आश्रितों को 50 लाख रुपया की मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और यहाँ इनके पिताजी और घर भी आप सब लोग देख रहे हैं, इन लोगों की डिमांड है कि हम लोगों को एक घर भी मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वाजिब मांग है। भारतीय जनता पार्टी शोक संतप्त इस परिवार के साथ खड़ी है, जितना भी मदद होगी हम सब लोग मदद करेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार ने जो डिमांड है 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी और आवास, अगर इन्होंने पूरा कर दिया अच्छी बात है, और यदि पूरा नहीं किए और सरकार जब बीजेपी की बनेगी तो इन सारे मांगों को हम सब लोग पूरा कर देंगे। ठीक है, आगे पूछना होता है लोगों से। ये आपने सुना निशु की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने कल ही ये मांग रखी थी कि 50 लाख रुपए की जो का मुआवजा, थोड़ा साइड हो गया सर, ये सीबीआई जांच की मांग करते हैं। नहीं, न्यायिक जांच की मैंने कहा है, न्यायिक जांच। सर इसके अलावा दर्जनों और लोग हैं वहाँ भी मिलने जा। नहीं, हमारे पार्टी के आज हम लोग सब बना देंगे, रात में ही लोग बना रहे हैं, सब जगह तो हम नहीं जाएंगे,
लेकिन जो भी हमारे और भी विधायक है, सांसद है, लीडर्स है, उस जिला के कार्यकर्ता हैं, कहाँ कहाँ की घटना है वहाँ पर हम लोग सब जगह लोगों को भेजेंगे, सब जगह। तीन दिनों के लिए रोका भी गया है, तो क्या ये बीजेपी का दबाव था या फिर? देखिए, तीन दिन की रोकना कोई बहुत बड़ी रोक नहीं होती है। हमने कहा कि कई स्तर पर उन्होंने किया है। हम लोगों ने तो कल रात में ही कहा कि भाई कम से कम आप 15 सितंबर तक तो रोक दीजिए, क्योंकि इस समय भादों की जो गर्मी है आप देख रहे होंगे यहाँ कितनी गर्मी है, और बच्चों को रात भर जगा करके दौड़ाना तो ये उचित नहीं है। और कहेंगे हेमंत सोरेन तो हम लोग चुनाव आयोग को भी कहेंगे कि भाई आचार संहिता से भी इसको मुक्त करें, और आप दौड़ाइए, लंबी दौड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे का मतलब लंबे समय तक, लेकिन एक बार रात रात भर मत जगाइए बच्चों को। बच्चे आराम से सोए, दूध सेव खिलाइए, और दूसरे दिन सवेरे उठ करके लोग दौड़े 9-10 बजे तक। सरकार की तरफ से अब तक कोई मिलने नहीं है। करना चाह रहे हैं एक बार 20 दिन में करिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये देखिए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की भी उपस्थिति है, और इनके पिता जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब तक निशु देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी मृतक है, यानी कि जो जिंदगी की दौड़, यानी जिंदगी की रेस में आप पीछे हट गए, जिंदगी की जंग हार गई, वो वहाँ वहाँ पर बीजेपी के लोग जाएंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति यहाँ पर है, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू यहाँ पर उपस्थित हैं, और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हो, प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ पर दिख रही है। कुछ और बीजेपी के नेता जो हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, ये जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर पहुँचा क्या? नहीं, अभी तक सरकार के कोई प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है। और पहली बार जैसे ही हम लोग को सूचना हुई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और स्थानीय हमारे राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू जी पहुँचे हैं। और कल ही आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जितने भी इस उत्पात सिपाही बहाली दौड़ में जिनके साथ अनहोनी घटना हुई है, उनके परिवार हमारे साथ है, और उनको 1 लाख रुपए के रूप में हम लोगों पार्टी ने सहयोग करने का निर्णय लिया। आज इसी दौरान हम लोगों ने और मांझी के जीरावार गांव आए, और आगे भी जितने अच्छा, भी 1 लाख रुपए चेक मिलेंगे या कैश? कैश जी, बिल्कुल। तो इनकी माली, देखिए माली हालत भी इस परिवार के ठीक नहीं है, और एक उम्मीद थी जो उम्मीद की किरण हमेशा के लिए खत्म हो गई निशु। और देखिए कि सरकारी नौकरी अगर होती है परिजनों को, परिजनों की आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी, चाहे वो जो भाई पढ़ रहे हो वो अच्छी पढ़ाई कर सके, इनका घर अच्छा बन सके, पिता जो कूली का काम करते हैं उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी, तो ऐसे में एक आस एक उम्मीद थी। अच्छा, अगला जो कार्यक्रम होगा, अगला कहाँ मिलने के लिए जाने वाले? जी अभी तो अभी जितने भी होंगे अभी तो उनका शेड्यूल आया नहीं है, जैसे जैसे आएगा आप लोग को भी बता दिया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम तय हुआ था, फिर आगे भी जो आगे सूचना होगी तो फिर आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो आगे की सूचना जहाँ की होगी वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने न्यूज 11 से भी बातचीत में कहा कि हमने कल ही ये मांग रखी थी, कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कार्यालय में रखा गया था। और देखिए परिजनों की भी यही मांग है, आदित्य साहू, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की उपस्थिति यहाँ पर है सर, चूंकि ये गांव है और ग्रामीण क्षेत्र है, बिहड़ इलाका है सर, उनके दुख को तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब मदद जरूर की जा सकती है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई मिलने नहीं पहुंचा। देखिए, राज्य की सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है, और इनको आम लोगों से, गरीब लोगों से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। अब राजधानी से 12 किलोमीटर की दूरी में यह गाँव है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी भी इस राजधानी में रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं, समाचार पत्र के सुर्खियों में इतनी बड़ी घटना प्रत्येक दिन छप रही है, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर आने का जरूरत नहीं समझा। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में चिंता करती है, आज हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं उनके सुख दुख को बांटने के लिए,
और हम लोग से जो बन पड़ा है मृतक परिवार को सहयोग करने का काम किए हैं। अच्छा, ये कल कहा जा रहा था कि जलवायु की वजह से, लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चिकित्सकों की भी लापरवाही रही होगी। एक तो जलवायु परिवर्तन जो है अभी के लिए अनुकूल नहीं है कि दौड़ हो सके, उन्होंने कहा आचार संहिता की बातें भी कही। निश्चित रूप से देखिए, ये बहानाबाजी करने का काम प्रशासन के लोग करते हैं। आप सोचिए, रात भर बच्चे जगे हुए हैं, भोरे खाली पेट में दौड़ रहे हैं, अब आप एक दो किलोमीटर एक किलोमीटर दौड़ा कर दरवा की बहाली करते हैं, तो इतनी लंबी दौड़ लगाने की क्या आवश्यकता थी? दस दस किलोमीटर बच्चे भूखे पेट दौड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक इस प्रकार घटना घटेगी। आपको दौड़ाने से पहले उसको चाय पानी नाश्ता फल दूध का व्यवस्था करना चाहिए था, लेकिन उनको आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में जो रिकॉर्ड बतला रहा है 15 लोग की मृत्यु हुई, मुझे लगता है कि इससे अधिक भी लोग की मृत्यु हुई है, परंतु मीडिया से दूर हैं, लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन झारखंड के लिए दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का जन विरोधी सरकार, इसे जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता का सुध लेना वो पसंद नहीं करती है। बिल्कुल, सैकड़ों लोग अभी बीमार हैं, हालांकि मृतक से के परिजनों से भले ही ये मिल रहे हैं। अच्छा, जो लोग बीमार हैं उनके भी जानकारी ले रहे हैं क्या कि बीमार हैं किस हालत में? जानकारी ली जा रही है, वहाँ पर हमारे उस क्षेत्र के नेता जाएंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, उनकी समस्याओं को जानने का काम करेंगे, परेशानियों को जानने का काम करेंगे। बिल्कुल, परेशानियों को जानने का कार्य करेंगे। और देखिए, यहाँ से इस गांव से निशु कुछ युवा जो कि इस दौड़ में शामिल भी हुए थे और जिन्होंने दौड़ को पास भी कर लिया है, दौड़ की रेस में कौन निकाल पाए थे? आप लोग सब निकाल लिए हम लोग मैडम, हम लोग हजारीबाग सेंटर पड़ा था, अजय आपके दोस्त थे? हाँ, दोस्त थे, हम लोग 4 बजे से सब ग्राउंड में जथा ग्राउंड में रनिंग करते थे मैडम। अच्छा, आप मुखिया हैं? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मुखिया हैं। युवा जो हैं, जो इस अजय के मित्र कौन कौन थे? सारे कोई है। साथ में दौड़ते थे, साथ में दौड़ते, तैयारी करते थे साथ में, और वो सुबह में जाता था 4 बजे और 5 बजे से 6 बजे तक रनिंग करता था, उसके बाद फिर ड्यूटी जाता था काम करने, काम करके आके भी पढ़ा। क्या काम करते थे? वो मजदूरी काम करता था रामकृष्ण मिशन स्कूल में, उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ आरटीसी कॉलेज में इंटर कंप्लीट किया था। और इससे पहले तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मौके पर व्यवस्था दुरुस्त था, किसी प्रकार की वहां पर कमी नहीं थी। अभी आपके सामने अभ्यर्थी हैं जो दौड़े भी हैं, उनसे जरा पूछिए कि वहां पर हालात कैसे थे, क्या कुछ व्यवस्था था, आखिर इतनी जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है? जलवायु का तो हर कोई दोष दे रहा है, लापरवाही भी थी। रुचि, बिल्कुल निशु, देखिए इनसे ही जानने का, अभ्यर्थियों से ही जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रशासनिक महकमा की तरफ से ये दावा है कि सारी व्यवस्था पुख्ता थी, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर थी? व्यवस्था तो हम लोग 3 बजे रात में लाइन लगे थे, उसके बाद हम लोग का एंट्री आया लगभग 8 बजे, पहले लड़की को दौड़ा था, उसके बाद हम लोग का नंबर आया, हम लोग का लगभग 1:30 बजे आया था नंबर, इतना कड़ी धूप में हम लोग को 1:30 बजे पलामू सेंटर था, वहाँ ग्राउंड भी था, एयरपोर्ट था, पूरा ऊंच नीच था वहाँ, उसी के कारण अजय हम लोग साथ में गए थे, संतोष हम और अनिल हम लोग दोनों निकाले, अजय लास्ट चक्कर में थोड़ा सा हम लोग से पीछे था, फिर भी दौड़ कंप्लीट कर लिया था पूरा, उसका बाद कुछ क्षण में बैठ गया, उसका बाद वो बेहोशी में थोड़ा सा गिर गया, उसके बाद पुलिस वहाँ थे तो मेदिनीनगर सदर अस्पताल में ले गए, उसके बाद उसका दोस्त था एक, वो हम लोग तो बाहर आ गए, उसके बाद वो खोजने लगा कि मेरा दोस्त नहीं आया, हम लोग भी थे तो बोला कि वो एक पुलिस को पूछे तो बोला कि मेदिनीनगर चला गया है, जाओ वहाँ करके, उसके बाद हम लोग पास फोन आया, उसके बाद वो फिर बेड में नहीं था, फिर ये जमीन में सो के पानी चढ़ रहा था, उसका बाद मतलब आपने देखा अपनी आंखों से? हाँ, देखे हम लोग साथ में, उसका बाद कुछ उसका पिताजी को फोन किया हम ही लोग, उसका बाद मजदूर काम कर रहे थे, उसका बाद उसका पिताजी गाड़ी लेके चल गए, तो फिर रास्ते में भेंट हुआ लातेहार जंगल के सामने, उसका बाद उसको आप जब मिले तो किस तरीके की हालत थी? वो नहीं थे, वो पूरा सोवल थे, नॉर्मल एकदम, पूरा बोल नहीं, हाँ वो बात कर रहे थे, पूरा बात कर रहे थे, ठीक है फोन आ रहा है तो उठाओ करके रिसीव कीजिए, कहके कौन कौन आए कौन कौन निकाले, हम लोग से पूछे तो हम लोग बोले सारा दोस्त निकाले, आप भी निकाले हैं दौड़, तो खाली सबर कीजिए कहके, तो बोला कि ठीक है, उसका बाद रिम्स ला उस पिताजी लाए, फिर हम लोग गए कुलदीप रिम्स हॉस्पिटल, हाँ, उसका बाद उसको पानी उनी सब दरा दुरत का दवा भी खिलाए,
सर ये सभी अभ्यर्थी हैं जो वहाँ पर दौड़ में शामिल थे और उन्होंने कहा कि स्थितियाँ ठीक थी, रिम्स में ही मृत्यु हुई है। तो वो तो बताए ना हम तो जो जानकारी सब कुछ मिली तो डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही हुई है, ये कारण है ये। और इसलिए हमने कहा कि पूरे मामलों को न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बातचीत कर रहे थे, मुंह से खा सकते थे, मुंह से जूस पी सकते थे, उनके माँ पिता दोनों बता रहे हैं, भाई बता रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती जिसको बोलते हैं नाक से पाइप डाल करके पिलाना, और जब वो माँ बाप कह रहे हैं कि भाई हमको प्राइवेट में इलाज करने के लिए छुट्टी दीजिए, तो वो भी देने को लिए तैयार नहीं। एक प्रकार से बच्चों को इन लोगों ने मारा है, हत्या किया है, उन लोगों के ऊपर तो हत्या का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। ये अभी कह रहे हैं सर कि 1:30 बजे दोपहर में दौड़ाया गया जबकि सुबह दौड़ने का समय होना चाहिए। वही मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ, कल भी मैंने कहा, परसों भी मैंने कहा कि भाई रात में अगर 12-1 बजे लोग लाइन में लगे और दूसरे दिन 12-1 बजे यानी रात भर आदमी जगता है और वो भी भादो की गर्मी, भादो में तो हम लोग हाल वाल भी नहीं चलाते, काढ़ा भी मुंह से फेन छोड़ देता है, हम लोग तो किसान हैं, मैंने भादो की गर्मी में कोई किसान भी जानवर भी खेत खलियान में नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसको बड़ा खतरनाक धूप माना जाता है भादो की। और उस समय बच्चों के साथ एक प्रकार से सरकार जयदाती कर रही, इसलिए हमने कहा कि भाई आप सरकार को स्थगित नहीं करिए, आप उसको 15 सितंबर के बाद करिए। और इतना बच्चे नहीं, रात भर बच्चे आराम से सोए और दूसरे दिन सवेरे 5-6 बजे से दौड़ाई 8-9 बजे तक, लगेगा 1 महीना, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कहोगे तो इलेक्शन कमीशन, हम लोग भी कहेंगे सरकार लिखे कि भाई यहाँ के बच्चे बेरोजगार है और इसलिए इसको स्थगित में, बीजेपी नहीं विरोध करेगी, हम लोग सपोर्ट कर देंगे, लेकिन बच्चों के जीवन के साथ, शरीर के साथ तो खिलवाड़ नहीं करे सरकार। बिल्कुल, तो देखिए निशु, ये बाबूलाल मरांडी और ये अब जो जिन्होंने दौड़ निकाला है उन अभ्यर्थियों से भी मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बनाए रखिएगा, बातचीत भी कीजिए इन लोगों से, फिलहाल हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।